कुंजन, क्या हुआ है? तुम कुछ छुपा तो नहीं रही हो हमसे? बोलो कुंजन। दादी, हमें माफ कर दीजिए दादी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई दादी, हम बह गए थे दादी जी, हमें माफ, दादी हमें माफ कर दीजिए। हमारे पाँव छोड़ो। नहीं दादी, जब तक आप हमें माफ नहीं करेंगे हम आपके पाँव नहीं छोड़ेंगे दादी जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई दादी, हमें माफ कर दीजिए। पाँव छोड़ो। मिठाई? मिठाई? जी, ये शगुन है। शगुन? किस बात का शगुन? दादी जी चौंकिए मत, ये शगुन की मिठाई विक्रम के होने वाले बच्चे की है, जो इस वक्त गुंजन के पेट में पल रहा है। लीजिए दादी। हमें कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? आखिर हमारे हाथ में रिवॉल्वर थमाई किसने? से बहुत बड़ी गलती हो गई दादी, हमें माफ कर दीजिए। कुंजन और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और हम पश्चाताप करने को तैयार हैं। कुंजन, मुझे तो समझने की कोशिश करो कुंजन। मानते हैं कुंजन, हमने तुम्हें बहुत अंधेरे में रखा, पर आज हमें किसी का डर नहीं, और हम तुमको सबके सामने अपनाने का ऐलान करते हैं गुंजन, हम तुम्हें अपनाएंगे। दादी, हम आज सबके सामने गुंजन को अपनाने को तैयार हैं दादी। दादी आप ही सोचिए, अगर हमारे मन में खोट हो तो क्या हम गुंजन से मंदिर में छुपकर शादी करते? हमने मंदिर में उसकी मांग में सिंदूर भरा, पर हमने उसे अपनी पत्नी का दर्जा दिया। दादी जी, जो हुआ सो हुआ, अब इन दोनों को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका है। हम तो अपनी तरफ से ये मिठाई का डिब्बा और 1001 रुपए गुंजन की झोली में डालने के लिए लेकर आए हैं। कहते हैं कोई भी नया रिश्ता बड़ों के आशीर्वाद के बिना पनप नहीं पाता दादी, इसलिए हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम गुंजन को जीवन भर खुश रख सके। हमें आशीर्वाद दीजिए दादी, हमें आशीर्वाद दीजिए।
जी।